का जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपका एकदम वही माँ, वही माँ। सम्मानित सीता सुरेन जी ने जो आपके सामने बातों को रखा है वो विषय बहुत ही गंभीर है। वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित इरफान अंसारी, जो झारखंड का मंत्री और जामताड़ा का विधायक, किस मानसिकता से यहां पे वह व्यक्ति सोचता है और हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री है, ये पूरे झारखंड के सरकार के मानसिकता को दर्शाता है कि स्वार्थ और स्वयं के अलावा समाज का चिंतन इस सरकार को नहीं है और इसको लेकर पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हरेक जिला में आने वाले समय में विभिन्न रूप में इसका प्रदर्शन करेगी। ये आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधता का कोई भी स्वरूप हो सकता है, ये सहर्ष स्वीकार, लेकिन समाज में आधी आबादी इस तरह से तिरस्कृत करना और विशेषकर हमारे आदिवासी वर्ग के महिलाओं के बारे में ऐसा टिप्पणी करना यह अशोभनीय नहीं है, असहनीय है। और जिस तरह का उबाल पूरे समाज में, आदिवासी समाज में इस विषय को लेकर उठा है और महिला वर्ग में, यह आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कितना बड़ा ये इसका मूल्य जो है ये झारखंड की सरकार को, इस चुनाव में कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के जितने भी नेताओं उनको ये देखना पड़ेगा। सीता सोरेन कोई सामान्य महिला नहीं है आदिवासी समाज में। सीता सोरेन गुरु जी की बड़ी पुत्रवधु है। आप गुरु जी के पुत्रवधु को बेइज्जत करते हैं और समाज को दिखाने के लिए, चूंकि वो वृद्ध अवस्था में है, आप आशीर्वाद लेके वो फोटो को मार्केट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूर्ख समाज है, समाज बहुत होशियार है और सब आपके कृत्य को देख रहा है और समझ रहा है। और एक एक आदिवासी महिला खाली जामताड़ा नहीं, पूरे झारखंड में इस चीज को सबक सिखाएगी आने वाले समय में, और ये आप निश्चित रूप से आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करती है, अर्चना करती है इस वक्तव्य का, इस टिप्पणी का और इस आचरण का और इस सोच का। और आप देखे होंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रत्याशी ने द्वारा और यहां के हमारी पार्टी के द्वारा एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी दिया गया था, चुनाव आयोग को भी दिया गया था और एसटी कमीशन को भी दिया गया था। और कमीशन ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस भी किया है और ये आप लोग सबको जानकारी भी है। ये विषय यही नहीं रुके, ये सम्मान का विषय, आदिवासी महिला का सम्मान का है, आदिवासी जनजाति मूल झारखंडी के सम्मान का विषय है। ये विषय लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और जो नामांकन कल श्रीमती सीता सोरेन जी अपना कर रहे हैं, उस नामांकन समारोह जामताड़ा के हमारे दो ही विधानसभा ने, आपको झारखंड के विभिन्न विधानसभाओं में जो नामांकन अब होने जा रहे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि नामांकन सभा में और आने वाले समय में अलग अलग तरह से इसका जो है हम विरोध करेंगे, कहीं दो मिनट का मौन रख कर करेंगे या कहीं पर हम इसका इस विषय को प्रदर्शन के रूप में लेके करेंगे। हमारी महिलाएं और हमारे सामान्य सभी लोग, जो आधी आबादी को इज्जत नहीं कर सकता उसको कोई हक नहीं है कि झारखंड के सत्ता पर वो काबिज हो। जनता उखाड़ फेंकेगी या निर्णय हो चुका है। मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह से तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आप बेहतर जानते हो।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी की तो जो सम्मान देते हुए लायक है वो तो न भविष्य आज तक रहा। आपको पता है कि महिला आरक्षण जो इतने दिनों का वर्षों का दशकों का विषय था उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोनों सदन से पारित करके एक हकीकत और यथार्थ में परिवर्तित किया। तो अब इसके बाद आने वाले समय में 2029 के बाद कई ऐसे सीटें रहेंगी कि जहां पर इस संसद के अंदर में और विधानसभाओं में आपको कई सीतापुरुषों जो है कई सीतापुरुषों जो है प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेगी। भारत के लोकतंत्र के मंदिरों का स्वरूप बदलने जा रहा है 2029 के बाद और ये निर्णय आधी आबादी के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार ने लिया है। और हम सम्मान मातृशक्ति बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं और हम मां स्वरूपा मानते हैं आधी आबादी। और आप इस तरह का जो घटना करने और निंदा करने वाले हैं इनकी टिप्पणी और मानसिकता को मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि संरक्षित न करें बल्कि पूरी तरह से इनके मानसिकता को उजागर करें, जनमानस में ये चेतना दिलाएं कि बहिष्कार इन लोगों का जनमानस द्वारा।